1991 में हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि हमारी इकोनॉमी में थ्री के रिफॉर्म्स आए एंड दैट वर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एज यू कैन सी दीस वर आल्सो नोन एज एलपीजी पॉलिसीज आप सभी को इन पॉलिसीज के बारे में पता ही होगा और जो इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी दैट वाज अबाउट लिबरलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का एक स्ट्रांग पिलर था दैट वाज एफडीआई एफ डी आई मतलब foreign direct investment. और इसी टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे कि एफ डी आई होती क्या है एक्चुअल में क्या एग्जाम्पल्स होते हैं इसके और के थ्रू आपको एग्जाम्पल्ट और अच्छे से समझ में आएगा देन वी विल डिस्कस इट्स टाइप सो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक यूजीसी नेट सब्जेक्ट कॉमर्स पेपर टू टूडे टॉपिक इज फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड वी विल स्टडी इट्स कंसेप्ट एंड टाइप्स राइट यूनिट वन का आपका सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस चल रहा है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है लिबरलाइजेशन जब कंसेप्ट आया लिबरलाइजेशन का मतलब था टू गिव लिबर्टी टू द बिजनेस वर्ल्ड बिजनेस वर्ल्ड को हम जितना फ्री कर देंगे हमारी इकोनॉमी उतनी ही बूस्ट होगी और स्ट्रॉन्ग होगी और उसका जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग पिलर था वो था एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब हम बिजनेस मैन लोगों को या बिजनेसिस को कंपनीज को सिर्फ एक लोकल एरिया या एक जुडिसडिक्शन एक एरिया में बांध कर नहीं रख सकते हमें अगर उनको लिबर्टी देनी है तो ओपन लिबर्टी देनी होगी दे केन इन्वेस्ट दे केन गो दे केन स्टार्ट देयर बिजनेस इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज वॉट एफ डी आई सेज टू गो इन फोरन एंड मेक द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट राइट सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या कहता है दैट इट इज एन इन्वेस्टमेंट जो कि कौन करती है एफ डी आई इन्वेस्टमेंट इसको कौन करती है एनी फर्म करे या फिर कोई इंडिविजुअल मीन्स कोई बिजनेस मैन भी हो सकता है एंड वो किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं दे आर ऑफ वन कंट्री एंड दे देन इन्वेस्ट इन अनदर कंट्रीज वहाँ के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ के किसी इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड दैट इज़ वॉट एफ डी आई और जनरली अगर आप देखेंगे बच्चे एफ डी आई टेक्स प्लेस वेन एन इन्वेस्टर इस्टेब्लिशेज फॉरन बिजनेस ऑपरेशन मीन्स आप किसी बिजनेस ऑपरेशन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ के किसी बिजनेस को टेकओवर भी कर सकते हो या फिर वहाँ की किसी शेयर या इन्वेस्टमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो ओके सो वर द दीजिए हम एफ डी आई में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आप ओनरशिप ओनरशिपलिश कर सकते हो एसेट्स को कंट्रोल कर सकते हो किसी दूसरे बिजनेस के एसेट्स को आप वहां की कंपनी में जाके उनके एसेट्स को खरीद सकते हो उनको कंट्रोल कर सकते हो दिस इज एफ डी आई अगर एफ डी आई का आप कंसेप्ट लेकर चलो तो नाउ रिसेंट इज एफ पी आई एफ पी आई है फोरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट हैं बच्चे बहुत सारे बच्चे इन कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं बट एफ और एफ बिल्कुल भी लिंक नहीं करते एफ में हम इन्वेस्ट करते हैं नॉट ओनली इन द शेयर इक्विटीज हम दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनके बिजनेस को पूरा टेक ओवर भी कर सकते हैं बिजनेस एक्विजीशन कर सकते हैं देन वी कैन डू इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स ऑल्सो

आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया है सो अकर्स कब होता है जब एक इन्वेस्टर एक कंपनी का मतलब एक कंट्री का इन्वेस्टर ही गोज फिजिकल इन्वेस्टमेंट मतलब वो दिखती है इन टू द बिजनेस या इंटरेस्ट जो कि एक अनदर कंट्री में लोकेटेड है वहां पर इन्वेस्ट करता है एंड देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एफ डी आई दैट कंपनीज कैन यूज टू एंटर इन द फॉरन मार्केट एफ डी आई अकर्स कब होती है जब इन्वेस्टर खुद एक ऑपरेशन या एक बिजनेस को एक्वायर करे या वहां पर एस्टैब्लिश करे ओनरशिप अपनी एसेट्स में लगाए राइट एफडीआई कैन हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन बोथ इन्वेस्टिंग कंट्री में भी एक एफडीआई का इंपैक्ट होता है जैसे हम अब हमारी कंट्री किस चीज पर फोकस करती है टू अवेल एफडीआई फ्रॉम अदर कंट्रीज हम चाहते हैं कि बाहर के लोग आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें राइट right? तो ये जिस कंट्री में होती है उसको भी इफेक्ट करती है प्लस जिस कंट्री से की जाती है मींस होस्ट नेशन वो भी इससे अफेक्ट होता है सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है मतलब पॉजिटिव चेंज होती है ओके दिस इज द कंसेप्ट एंड नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर इट्स टाइप्स टाइप्स ऑफ एफ डी आई जो है बच्चे वो आपके नेट एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक सिंगल टाइप या फिर आपके आ सकता है विच अमंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ एफ डी आई नॉट अ टाइप ऑफ एफ तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि एफ में हम जो टाइप्स करेंगे उनका क्या मतलब है ओके सो लेट स्टार्ट वेरी फर्स्ट आपके बच्चे सिलेबस में इन जनरल थ्री होती हैं बट हम अलग अलग तरीके की एफ को सबको यहां पर अब डिस्कस करने वाले हैं सो द वेरी फर्स्ट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ओके ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ एफ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या है बच्चे यहां पर एक इन्वेस्टर क्या करता है एक नया एक नया ऑपरेशन में से एक बिजनेस करता करता है कहां पर करता है पर अपने ही नेशन एक्टिविटीज ऑल द एलिमेंट्स राइट फ्रॉम द स्क्रैच स्क्रैच से स्टार्ट right okay? right करना एग्जाम्पल जैसे हमने होंडा का लिया है होंडा डिड इन दूके होंडा ने यूके में जाके स्टार्ट किया सो so, द इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे बिल्ड न्यू प्रोडक्ट एसेट्स लाइक फैक्ट्रीज बनाते हैं ऑफिस बनाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाते हैं ये बिल्कुल राइट right बेस से स्टार्ट करते हैं दैट्स इट्स अ इन्वेस्टमेंट आप इसको कह सकते हैं ग्राउंड से स्टार्ट होती है ओके देन द नेक्स्ट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन ये कंसेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया और काफी सेशन में हम कर चुके हैं मर्जर्स एंड एक्विजीशन इनमें क्या होता है बच्चे इन्वेस्टर जो होता है वो दूसरे बिजनेस का जो दूसरी कंट्री में बिजनेस है उसका कुछ पार्ट एक्वायर कर लेता है ओके okay, उसमें पार्शियल ओनरशिप ले लेता है या फिर फुल ओनरशिप भी ले सकता है लेकिन वो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेड होनी चाहिए कहां पर दूसरे नेशन में ओके सो दिस इज थ्रू परचेजिंग शेयर्स ऑफ द एसेट्स आपको दूसरी फॉर मार्केट में एंटर करना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है परचेज करिए इन्वेस्ट करिए और मर्जर और धीरे धीरे उस बिजनेस को समझेंगे टेक ओवर करना स्टार्ट कर दोगे राइट अनदर वन इज ज्वाइंट वेंचर अगेन वी डिड दैट ज्वाइंट वेंचर्स ज्वाइंट वेंचर में भी क्या है टू और मोर कंपनीज जो होती है वो मिलकर काम करती हैं दे कम टूगेदर है they together, ना एंड दे फॉर्म अ न्यू बिजनेस बिजनेस एंटिटी जो उनके ऑलरेडी है वो एज इट इज चलते हैं बट दो कंपनीज आकर एक नई कंसेप्ट एक नई कंपनी की फॉर्मेशन करती हैं और उस नई कंपनी के थ्रू वो क्या करते हैं वहां पर फॉरन मार्केट में एंटर करते हैं ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट शेयर्स रिसोर्सिस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट लॉस होगा वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे कंट्रोल दोनों मिलकर करते हैं ऑनरशिप दोनों मिलकर करते हैं दैट्स इट्स नेम इज वेंचर तो इसके थ्रू भी आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हो अनदर वन इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग ये सब हम कर चुके हैं है ना लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग इसमें भी क्या है बच्चे आप इन्वेस्टर जो होता है वो दूसरी कंपनी जो ऑलरेडी फॉरेन मार्केट में बेस्ड कंपनी है उनके राइट्स को खरीदता है ही यूज ही वांट्स देयर राइट टू यूज देयर प्रोडक्ट ट्रेड मार्क्स like को यूज करना चाहता है यूज करना चाहता है उनके ट्रेड सीक्रेट को यूज करना चाहता है तो दैट इज थ्रू एक्सचेंज थ्रू फीस फीस या चार्जेज रॉयल्टी देनी पड़ती है जो हमने पढ़ा था दैट इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन इसमें क्या था जो इन्वेस्टर होता है दे कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर फॉर्म दूसरे जो नेशन की फर्म है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन उनके लिए वो कहते हैं कि हम आपके लिए प्रोडक्शन करेंगे ठीक है सो ओनरशिप नहीं चाहिए हमें आप अपनी कंपनी का ओनर रहिए बट प्रोडक्शन हम आपके लिए करेंगे दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ओके देन इज प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जो हमने यहाँ पर करी थी एलपीजी सेकंड पॉलिसी वाज एलपीजी प्राइवेटाइजेशन इसका मतलब था गवर्नमेंट सेल पार्ट या फिर ओल्ड स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट uh, के लाइक अंडर डिपार्टमेंट्स या कुछ एजेंसीज आती हैं गवर्नमेंट उनको सेल कर सकती है और जरूरी नहीं है वो अपने ही नेशन के लोगों को बेचे वो बाहर के किसी uh, नेशन या बाहर की नेशन की वेल डेवलप्ड कंपनी को बेच सकती है ताकि वो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट करवाए फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हो तो हमारे इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट ने 2015-16 की अराउंड बात थी उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट uh, एक बाहर के नेशन को दिया था आई थिंक दैट वाज जापान सो जापान कंपनी ने हमारे यहाँ पर फास्टेस्ट मेट्रो लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया दैट वाज थ्रू प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन कर दी कि कम एंड इन्वेस्ट इन कंट्री देन जैसे ही ये ग्रीन फील्ड है ऐसे ही आपका एक और कंसेप्ट है ब्राउन फील्ड इसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है देखिए जैसे ग्रीनफील्ड है ब्राउनफील्ड में क्या होता है इन्वेस्टर क्या होता है परचेज एग्जिस्टिंग कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट करनी पड़ती है उनको अपनी कंपनी बट तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑलरेडीब्लिश एग्जिस्टिंग कंपनी को वो परचेज करते हैं उसमें जो एसेट्स हैं लाइक फैक्ट्रीज रियल एस्टेट है माइन है उनकी उनको पूरा परचेज कर लेती हैं और इससे क्या होता है उनको इस्टेब्लिश्ड बिजनेस मिल जाता है देखिये प्रोसकोन्स दोनों में है में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरी मेहनत से पूरी फैक्ट्री को खड़ा करना पड़ता है आपको ऑलरेडी स्टैब्लिश मिलती है बट इसमें क्या होगा जो ऑलरेडी नेम फेम एक कंपनी लेकर बैठी है उसी से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ऑलराइट सो दीज आर दर्टन टाइप्स अब बात करते हैं हम एक्स्ट्रा अदर थिंग्स जो आपको इंडिया में भी देखने को मिलते हैं क्या क्या है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के टाइप देखिए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हमने किया ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का इंडिया से कंसेप्ट देखें तो आपके पास कैसे है जैसे कि कार मेकर्स है वॉक्स वैगन होंडई दे टेक फर्म्स ये क्या करती हैं लाइक सैमसंग हो गया एपल हो गया नोकिया है दे हैव इस्टेब्लिश देयर रिसर्च डिपार्टमेंट्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ पर है ना सो so, ये कंपनीज बाहर से आई हैं और हमारी इंडिया में अपने डिपार्टमेंट्स खोल कर बैठे हैं बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग दैट इज ग्रीनफील्ड मर्जर एक्विजिशन का हम एग्जाम्पल देखें तो आपने मेजर डील्स देखी होंगी कि जैसे एरोलेको मितल वोडाफोन एक्वायरिंग दिस हिंदुस्तानी यूनिलीवर सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जहां पर आपको मर्जर्स देखने को मिलते हैं ज्वाइंट वेंचर्स के मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है मारुति सुजुकी दैट इज बिटवीन सुजुकी ब्रांड एंड मारुति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा क्या है मारुति एंड द सुजुकी केम फ्रॉम द जापान So, इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किया और इंडिया में अपने कार्स निकाली है ना सेम वे महिंद्रा एंड महिंद्रा ओके सो दिन so, इन्होंने किसके साथ किया कोलेबोरेट किया? किया फोर्ड के साथ लाइसेंसिंग अगर हम देखें तो लाइक mcdonalds है के एफ सीज है पिज्जा hut है ये अपने लाइसेंस बांटे और आपने इंडिया में ऐसे बहुत स्टोर्स देखे हैं जो ऑलरेडी इनके लिए खुले हैं है ना देन देर इज कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम लेकर काम करते हैं प्राइवेटाइजेशन हमने देखी लाइक like बोडाफोन है ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी है ये अपने uh, mineral firms निकाल कर बैठी हुई है ओके okay? अब हमने इन सारे टाइप्स को बचे थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया है ठीक है कैसे ताकि आपको समझ में आए कि हम इनको किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट इज योर होरिजोनटल देन इज योर वर्टिकल लास्ट वन इज योर कॉन्ग्लोमी आई होती है? यही है बच्चे बट इनको मैंने एक, आपको पता होना चाहिए कि, horizontal type of FDI कर रखी है वर्टिकल टाइप ऑफ एफडीआई का रखिए कॉन्ग्लोमरेट का रखिए आपको इस कंसेप्ट को समझना है तो देखिये हॉरिजोनटल क्या होती है इसमें होता है इन्वेस्टर इस्टेब्लिशेज सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन अ फॉरिन कंट्री जो उसका अपने नेशन में जैसा बिजनेस है उसी बिजनेस को वो उठाकर फॉरेन कंपन फॉरेन कंट्री में सेटअप कर देता है सेम काइंड ऑफ बिजनेस ओके सो एज इट ऑपरेट इन द होम कंट्री सेम वैसे ही वो फॉरेन कंट्री में ऑपरेट होगा तो इससे क्या बन रही है एक चेन बन रही है चेन किस में हैरिजोंटल वे में है राइट right? जैसे एग्जांपल आप ये कर लीजिए लाइक सेलफोन प्रोवाइडर्स बेस्ड इन यूएस ओपनिंग अप स्टोर्स इन चाइना यूएस कंपनी अपने जो सेलफोन्स है वो चाइना में सेम स्टोर खोल रही है तो दैट इज द पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल वे ऑफ डूइंग एफडीआई नाउ कमिंग टू द वर्टिकल फॉर्म वर्टिकल फॉर्म ऑफ एफडीआई क्या होती है यहां पर है इट इज वन इन व्हिच डिफरेंट बट रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज आप करते हो ठीक है जो आपके ऑलरेडी बिजनेस एक्टिविटी है उससे थोड़ी रिलेटेड होगी बट डिफरेंट आप दूसरी कंट्री में खोलते हो फिर उससे ही रिलेटेड बट थोड़ी डिफरेंट होगी वो थर्ड कंट्री में खोलते हो तो इससे क्या है दीज आर द एक्टिविटीज दैट आर डिफरेंट बट रिलेटेड टू द इन्वेस्टर्स मेन बिजनेस ओके okay, जो उसका ऑलरेडी इस्टेब्लिड बिजनेस है उससे थोड़ा जस्ट रिलेट करती है बट डिफरेंट होती है लाइक like, आपको मैं एक एग्जाम्पल दू एक मैनुफैक्चरिंग कंपनी है ओके दे एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द फॉरन कंपनी दैट सप्लाइज पार्ट्स या रॉ मेटीरियल ठीक है प्रोडक्शन वो खुद कर रही है बट उन्होंने रॉ मटेरियल मेटीरियल कुछ पार्ट्स के लिए फॉरेन कंपनी में फॉरेन uh, कंट्री में देखा एक कंपनी है वो प्रोवाइड करती है तो वो उनके साथ डील करती हैं ओके सो दैट इज टू मेक द प्रोडक्ट्स और वो, वो वर्टिकली एक लाइन बनती आएगी उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इधर हो जाएगा यहाँ से उनके रॉ मटेरियल हो जाएंगे सेम वे वो कहीं से सेल्स कंपनी को ढूंढ लेंगे तो एक वर्टिकल लाइन चलती आएगी दैट इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ डूइंग एफ डी आई नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमरेट कांग्लोमरेट में क्या होता है इट इज दैट टाइप ऑफ एफ डी आई जहां पर कंपनी या कोई इंडिविजुअल्स दे मेक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस दैट इज ट होता है ना उनका यहाँ से कोई रिलेशन है ना कोई दूसरी कंट्री से बिजनेस रिलेट करता है तो बिल्कुल कंप्लीटली अनडिफरेंट होता है और होम कंट्री में उनका बिजनेस किसी और चीज का हो सकता है और फॉरन कंट्री में उनका बिजनेस आई थिंक बहुत ही डिफरेंट चीज का हो सकता है ओके okay? सो so, इनमें क्या होता है इन्वेस्टर को दूसरा जो बिजनेस खोलना पड़ता है उसमें का कोई ना एक्सपीरियंस है ना उसको ये पता है वो कैसे उससे रिलेट करता है तो आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं ठीक है फॉरेन कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन दिस इंडस्ट्री दे आर लाइक कि हम फॉरेन वेंचर्स करेंगे जिसमें हमें ना अपने टाइप के बिजनेस का पता है और दूसरे टाइप के बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो हमसे रिलेट नहीं करता राइट सो दीज आर द फ्यू वेज थ्रू विच

फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ डी आई आर कॉमनली मेड इन डैश इकॉनॉमीज कैसी इकोनॉमीज में बचे एफ डी आई की अगर हम ग्रोथ रेट चेक करें तो वहाँ ज्यादा मिलेगी मिक्सड इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी ओपन इकॉनॉमी और क्लोज इकॉनॉमी सो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी ओपन इकॉनॉमी जो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इकॉनॉमीज होती हैं जहाँ पर आप ये देखते हो कि लाइक एवरीथिंग इज ऑटोमैटिकायरे है दैट इकॉनॉमी में आप एफ डी आई बहुत ज्यादा रेट पर चेक करोगे क्वेश्चन नंबर टू इज डैश इज अ टाइप ऑफ एफ डी आई विच रेफर्स एन एक्टिविटी ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम स्क्रैच स्क्रैच से आप ऐसी एक्टिविटीज को स्टार्ट करते हो और ये मैंने आपको भी जस्ट बताया भी है विच टाइप ऑफ एफ डी आई इट इज ग्रीन फील्ड फॉरन टेक ओवर फॉरवर्ड एफडी आईजोनटल एफटीआई सो विदाउट एनी डाउट इट्स ग्रीन फील्ड ग्रीन फील्ड फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ऐसी टाइप है जिसमें आप अपनी एक्टिविटी को कि आप अपने बिजनेस को बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैचिंग द लेवल से स्टार्ट करते हो द थर्ड क्वेश्चन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट था वो इंडिया में कब आया था इन विच ईयर इट केम 1987 1991 1995 1998 तो बच्चे आपको तो पता हो जो हमारी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन दैट इज एलपीजी पॉलिसीज थी ये जब आई तभी हमारा कंसेप्ट आया था एफ का फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि पार्ट था लिबरलाइजेशन का ओके okay. लिबरलाइजेशन का पार्ट था जिसमें गवर्नमेंट ने रास्ता दिया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कि लोगों के लिए ये एक फ्री रास्ता करिए फ्री रूट कीजिए सो दैट दे विल बी फ्री टू इन्वेस्ट देयर मनी इन एनी सेक्टर वेदर इन लोकल और इन फॉरेन कंट्री सो एलपीजी पी याद हो हमारी कब आई थी नाइनटीन में सो एफडी आई भी हमारा कब आया 1991 में ऑप्शन बी इज करेक्ट राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर सेज अ टाइप ऑफ एफ डी आई इन विच इन्वेस्टर इस्टेब्लिशेज सेम टाइप ऑफ बिजनेस इन फॉरेन कंट्री एज इन होम कंट्री ये एफ डी आई की देखो अभी जस्ट हमने बच्चे टाइप रिवाइज करी है तो उनमें से किस टाइप में हमने ये डिस्कस किया है जिसमें कि सॉरी इन्वेस्टर जो होते हैं वो वैसे ही टाइप का बिजनेस को फॉरेन कंट्री में स्टार्ट करते हैं जो कि वो होम कंट्री में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं स्टार्ट दैट सेम काइंड ऑफ बिजनेस सो इट्स अ वर्टिकल एफ डी आई ग्रीनफील्ड एफ डी आई फॉरन टेक ओवर और हॉरिजोनटल एफ डी आई सर ऑप्शन इज डी हॉरिजोनटल एफडी आई बिकॉज इट्स फोकस देखिए कहाँ पर है सेम टाइप मीन्स आप वही चेन चला रहे हो उसी बिजनेस को दूसरी कंट्रीज में सेटअप कर रहे हो अगर आप उस बिजनेस के कुछ सब ऑर्डिनेट को रेडी कर रहे हैं तो वर्टिकल होता बट नाउ इट विल बी अरिजोनटल चेन ओके देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज देश इज दोडल डिपार्टमेंट फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ऑन एफ डी आई एफ डी आई से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती हैं जितने भी डिसीजन होते हैं वो डिपार्टमेंट कौन सा है जो इसको हैंड ओवर करता है दैट इज आर बी आई नबार्ड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड और सेबी सो इट्स आंसर बच्चे ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो सारी पॉलिसीज़ को एफ डी आई की फॉर्मुलेट करता है दैट इज इट्स ड्यूटी ओके सो विद दिस दीज फाइव क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी और जो अभी हमने डिस्कस किया है एंड आई आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक ताकि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे बच्चे इसी टॉपिक से रिलेटेड एफ कि आई को से कैसे डिफर करता है एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस कि एफ के बेनिफिट्स क्या हैं वट आर दो जिन्होंने एफ डी आई को रास्ता दिखाया या वी द नीड ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टिल देन कीप कीप वेटिंग नाइस डे थैंक यू